मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग एविल डेड राइज 2023। मूवी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो जंगल में घूमने आए थे, जिनका नाम है जेसिका, कैलेब और टेरेसा। कैलेब और टेरेसा घर के बाहर एक लेक के पास बैठे हुए थे, पर जेसिका घर के अंदर सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। टेरेसा जेसिका को चेक करने जाती है और जाके एक किताब पढ़ने लगी है। तभी जेसिका भी अजीब सी आवाज निकाल के वो बुक पढ़ने लग जाती है और अचानक बेड के नीचे गिर जाती है और वॉमिटिंग करने लगती है। उसके आंखों का कलर भी चेंज होने लग जाती है। टेरेसा जैसे ही उसे चेक करने जाती है, जेसिका उड़ जाती है और टेरेसा की चोटी पकड़ के स्कैल्प समेत उखाड़ लेती है। फिर बाहर जाके अपने दोस्त कैलेब का भी सिर धड़ से अलग कर देती है और फिर जेसिका हवा में उड़ने लग जाती है। ये सब टेरेसा देख रही थी और रो रही थी। ये सब कौन है जानने के लिए कहानी एक दिन पहले चली जाती है, जहां एक लेडी को दिखाते हैं जिसका नाम है एली। वो तीन बच्चे डैनी, ब्रिगेट, कैसी के साथ एक फ्लैट में रहती है। वो अपनी हस्बैंड के साथ नहीं रहती है। कुछ देर बाद एली की बहन बेथ वहां पर आ जाती है और अपनी बहन को पूछती है कि उनके हस्बैंड कहाँ है। एली अपने बच्चों को पिज्जा लाने भेजती है ताकि वो अपनी बहन से अकेले में बात कर पाए। फिर एली बेथ को बताती है कि वो साथ नहीं रहते हैं और उनका हस्बैंड खाली बच्चों को खर्चा भेजती है और उनका परवाह नहीं करता। बच्चे पिज्जा लेके आ रहे थे तभी अचानक भूकंप आ जाती है, जिससे गैरेज के पास बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है। फिर डैनी उसके अंदर देखने लगता है। वहाँ पर उसे कुछ बुक्स और ऑडियो टेप रिकॉर्डर्स मिलता है। टेप के ऊपर पार्ट 1, 2, 3 लिखा हुआ होता है। डैनी को कुछ चर्च की फादर की पिक्चर भी दिखती है और बहुत सारा होली क्रॉस भी नजर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर किसी बुरी शक्ति को कैद करके रखा हुआ है। वहाँ पर डैनी को एक कबर दिखता है, उसके अंदर एक शैतानी किताब रखा हुआ था। डैनी कुछ सोचे ना समझे वहाँ से वो किताब उठा लेता है और साथ में सारे टेप रिकॉर्डर्स भी ले आता है। उधर एली अपनी बच्चों के लिए बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि न्यूज में दिखा रहे थे कि भूकंप की वजह से आसपास की बिल्डिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तभी तीनों बच्चे आ जाते हैं, पर वो लिफ्ट से आए थे इसीलिए एली तीनों को डांट रही थी क्योंकि भूकंप के वक्त लिफ्ट यूज करना डेंजर होता है। फिर एली वहां से लॉन्ड्री के लिए कपड़ा लेके बाहर जाती है और यहां डैनी शैतानी किताब खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बुक नोकीले दांतों से बंद था। उसी दांत से डैनी की उंगली में चोट लग जाती है और खून निकल के बुक के ऊपर गिर जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि उस किताब ने खून को सोख लिया था और फिर वो किताब खुल जाती है। किताब में अजीब अजीब तस्वीर बनी हुई थी, जैसे कोई किसी के ऊपर जादू कर रहा हो। डैनी किताब को छोड़ के ऑडियो सुनने लगता है जो वो साथ में लेके आया था। पहला ऑडियो में एक फादर बोल रहे होते हैं कि हम दोस्तों के साथ इस किताब के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अजीब जादू के बारे में बोला गया है। फिर डैनी सेकंड रिकॉर्ड को सुनने लगता है, जिसमें फादर बताते हैं कि उन्हें ये किताब कहाँ मिली थी। फिर अचानक टेप के अंदर से एक शैतानी आवाज़ सुनाई देता है, जैसे कोई काली शक्ति बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डैनी डर जाता है और टेप को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो रुकती नहीं है और अचानक से एक काली शक्ति निकल के आ जाती है और एली के अंदर घुस जाती है और एली लिफ्ट में बंद हो जाती है। लिफ्ट के तार से एली को शैतान ने जकड़ लिया था और एली की सारी हड्डी धीरे धीरे टूट जाती है। इतने में उनके घर की लाइट भी चली जाती है और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लग जाती है। एली की बड़ी बेटी देखती है कि बस उनके घर के ही लाइट गई है। फिर कुछ देर बाद एली घर वापस आ जाती है, पर वो अजीब तरीके से चल रही थी और सीधा किचन रूम में जाके अंडा फोड़ के बनाने लगती है, जो बहुत ही अजीब था। एली की बहन आके उसे बुलाती है और वो वॉमिटिंग करने लग जाती है। फिर एली बोलती है वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने मत देना, बोल के एली बेहोश हो जाती है। एली की बहन और उनके बच्चे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बट भूकंप की वजह से लिफ्ट बंद हो चुकी थी और सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। फिर वो लोग उसे वापस घर ला के सुला देते हैं और पड़ोस से एक ओल्ड लेडी और एक लड़का प्रे करने आते हैं जो इसी फ्लैट में रहते हैं। वो लड़का एली के आईज बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बार बार खुल जाती है। फिर सब लोग प्रे करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है। फिर बेथ उसकी बहन के पास आके बैठती है और इमोशनल हो रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन में और कोई नहीं, उसी की बहन एली थी जो बोल रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है, कोई उसे बचाएं। तभी एली जिंदा होकर बैठ जाती है और बेथ जैसे ही उसे छूती है, देखती है सच में उसका शरीर जल रहा था। बेथ बच्चों की मदद से एली को बाथटब में डाल देती है ताकि उसे ठंडक मिले। तभी अचानक से एली बाथटब से उठ के दीवार में उल्टा चलने लगती है और इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि सारे बेहोश होने लग जाते हैं। साथ ही साथ बाथटब में जो पानी था वो खोल रहा होता है। फिर एली एक एक करके सबके ऊपर हमला करने लगती है। फिर वो अपनी बेटी को मार रही थी,
तभी उसका बेटा डैनी आके उसे पीछे हटाता है। यहाँ पर एली की नज़र पड़ोस में रहने वाले लड़के के ऊपर पड़ जाती है और उस लड़के का आँख निकाल के दूसरे एक पड़ोसी लड़के के मुँह में फेंक देती है। यहाँ बेथ जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और एली बाहर रह जाती है। बेथ दरवाजे के अंदर से देखती है एली पड़ोस में रहने वाले सारे लोगों को मार रही है। घर के अंदर एली की बड़ी बेटी अपनी भाई डेनी से लड़ती है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। फिर बेथ उन्हें चुप कराती है। उधर एली अपनी छोटी बेटी को बहला के दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया था पर बेथ आके फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। यहाँ एली की बड़ी बेटी के साथ भी अजीब होने लगा था, उसके नाक और मुंह से कीड़े निकलने लगे थे। फिर बेथ जाके देखती है वो किचन में बैठ के कांच खा रही होती है, इसका मतलब वो भी पॉजेस हो चुकी है जैसे एली हुई है। फिर वो अपनी आंटी बेथ के ऊपर हमला कर देती है और साथ में अपनी छोटी बहन को भी मारने की कोशिश करती है पर उसकी छोटी बहन अपनी डॉल वाला डंडा लेके उसके सिर पर मारती है और अपने आप को बचा लेती है। फिर डेनी अपनी आंटी बेथ को सब बता देता है। फिर बेथ सब जानने के बाद डेनी के कमरे में जाती है उस लास्ट टेप रिकॉर्डर को सुनने के लिए। फिर बेथ हेडफोन लगा के उसे सुनने लगती है। जैसे ही बेथ ये टेप रिकॉर्डर को सुनती है उसे असली सच्चाई के बारे में पता लग जाती है। असल में ये किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे पर फिर फादर को चर्च से निकाल दिया गया था क्योंकि ये एक शैतानी किताब है और ये किताब इंसानी स्किन से बनी थी और इसको इंसानी खून से लिखा गया था। इस किताब में हेल के सबसे खतरनाक शैतान को बुलाने का तरीका लिखा हुआ था और फादर ये सब समझना चाहते थे। ये सब सुन के अब बेथ को भी यकीन हो जाती है। उधर एली की बड़ी बेटी अपनी भाई डैनी को मारने की कोशिश करती है पर डैनी अपने आप को बचाने के लिए अपनी बहन को जला देता है पर क्योंकि डैनी को चाकू लग गया था इसलिए डैनी मर जाता है। बेथ जिस रूम में रिकॉर्डिंग सुन रही थी वहाँ एली आ जाती है। बेथ और एली के बीच में लड़ाई होती है। एली शैतानी आवाज़ में बोल रही होती है, तुम मुझे हरा नहीं सकती। अब बेथ और एली की छोटी बेटी ही बची थी। यहाँ एली बेथ को मारने की कोशिश कर रही थी तभी एली की छोटी बेटी अपनी आंटी बेथ को एक कैंची देती है जिसको बेथ एली की मुँह में घुसा देती है जिससे एली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। बेथ गन लेके दरवाजे को तोड़ने वाली थी तभी एली आ जाती है और बेथ एली पर ही गन चला देती है जिससे एली की पैर कट के अलग हो जाती है। फिर एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों पर फंसाने की कोशिश करती है पर वो कहती है तुम मेरी माँ नहीं हो। फिर एली वहाँ पर जितने सारे लोगों को मारा था सारे लोग एक एक करके जिंदा होने लगते हैं और शैतानी आवाज़ में कहते हैं कि शाम तक कोई नहीं बचेगा। बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने का अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर वो लोग लिफ्ट में भाग जाते हैं, लिफ्ट चल भी जाती है पर एली की बड़ी बेटी और उसका बेटा डैनी जो कि अभी शैतान के कब्जे में थे उन दोनों ने खुद को लिफ्ट में फंसा लिया था, इसी वजह से लिफ्ट में खून भरने लग जाता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आती है लिफ्ट पूरा खून से भर जाती है और साथ में उस शैतानी किताब की पेज पलट रही थी जहाँ एक अजीब क्रिएचर को दिखाते हैं और अभी एली भी सेम वैसे ही क्रिएचर में बदल गई थी और ये बहुत ज्यादा खौफनाक था। यहाँ जैसे ही लिफ्ट खुलती है सारा खून निकल जाता है। खून में भीगी हुई बेथ और एली की छोटी बेटी जल्दी आके गाड़ी में बैठ जाते हैं पर तभी उनके सामने एली आ जाती है खतरनाक डिमोनिक रूप में और वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। फिर बेथ आरी लेके एली को मारना स्टार्ट करती है तभी हम देखते हैं एली के साथ एली की बड़ी बेटी और बेटा डैनी भी मर्ज हो रखा है और बेथ सबको मार देती है क्योंकि वो सारे पूरी तरह शैतान बन चुके थे। पूरी फैमिली को एक साथ ऐसे मारना बहुत दर्दनाक था पर बेथ के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर बेथ और एली की छोटी बेटी वहाँ से चली जाती है पर वो शैतान अभी भी वहाँ पर आजाद घूम रहा था। फिर हम अगले दिन देखते हैं एक लड़की जेसिका जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया था वो उसी बिल्डिंग में रहती थी। नीचे आके वो बहुत सारा खून देख के डर जाती है और पुलिस को कॉल लगाने जाती है तभी वो शैतान आके जेसिका को पोजेस कर लेता है। अब आपको समझ आ गया होगा जेसिका ने अपनी फ्रेंड को क्यों मारा क्योंकि वो शैतान जेसिका की अंदर ही है। इसका मतलब है शैतान अभी भी आजाद है और इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा। गाइज अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।